माननीय अजय टंडन जी जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी दमोह की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेक्षु प्रजु यशोधरन दमोह। आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स, सुजुकी शोरूम किल्लाई नाका बालाकोट रोड दमोह। कोई भी वाहन खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। क्या आप दमोह में रहते हैं? क्या आप अभी भी MRP पर सामान खरीदते हैं? क्या कोरोना ने आपके भी महीने का बजट बिगाड़ दिया है? क्या आप भी मार्केट की भीड़ और परेशानी से बचना चाहते हैं? तो आज ही ऑर्डर करें आपूर्ति सुपरमार्ट से। आपकी जरूरत का हर सामान शहर में सबसे सस्ते दामों पर फ्री होम डिलीवरी के साथ। पाइए हर प्रोडक्ट की MRP पर 5 से लेकर 50% तक की छूट और हर महीने ₹1000 तक की बचत करें। और सामान पसंद आए तो पैसे वापस बिना किसी सवाल जवाब के। आज ही विजिट करें www.apurti.co.in या कॉल करें 7540888111। प्यासी ज्वेलर्स शोरूम, सभी प्रकार के सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। पता टंडन बिल्डिंग, सराफा बाजार, दमोह। दमोह शहर में विगत 5 दशकों से अपनी चिकित्सकीय सेवाएं देने वाले डॉक्टर BM दास का नागरिक अभिनंदन एवं विदाई समारोह आयोजित किया गया। विगत 52 वर्षों से अपनी निःशुल्क निस्वार्थ सेवाएं दे रहे डॉक्टर BM दास अपनी अस्वस्थता के कारण दमोह जिले को छोड़कर अपने गृह गांव वापस जा रहे हैं। अतः उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई देने हेतु नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहर के समाजसेवी संस्थाओं, गणमान्य नागरिकों एवं व्यापारिक और राजनीतिक संगठनों ने उनको भावभीनी विदाई दी। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश दमोह इकाई डॉक्टर PD SLR स्मृति न्यास एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया विशेष रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने BM दास का अभिनंदन किया। डॉक्टर BM दास ने दमोह शहर में नाम मात्र की ₹5 और आज दिनांक तक ₹10 की फीस लेकर लोगों का इलाज किया। वहीं लोगों को निःशुल्क में दवाएं भी वितरित की। डॉक्टर BM दास के इसी सेवाभावी कार्य का लोगों ने अभिनंदन किया। कार्यक्रम में वैश्य महासम्मेलन दमोह इकाई के जिलाध्यक्ष कैलाश एलआर, डॉक्टर DM संगतानी सहित विभिन्न चिकित्सक एवं शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आदरणीय डॉक्टर, विगत 52 वर्षों से हमारे दमोह जिले में अकेले रहकर इतनी स्थिर विषम परिस्थितियों में अकेले रहकर 52 वर्षों तक निरंतर सेवाएं देती रही। अभी 2 दिन पूर्व भी मुझे आदरणीय डॉक्टर प्रसाद दादा के यहाँ से खबर मिली कि आदरणीय दादा डॉक्टर अभी दमोह जिले में आए हुए हैं और हमेशा के लिए अपना दमोह को छोड़कर जा रहे हैं। और आपको कोरोना काल के बीच पहले वहाँ गए थे, वहाँ आपको कोरोना पॉजिटिव भी हुआ, उसी बीच आपको पैरालिसिस अटैक भी आया और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हुई। और आज आप देख रहे हैं, फिर भी भगवत की कृपा से आपकी निष्पक्ष और सहृदय सेवापूर्ण दुआओं के कारण आज वो आपके सामने बैठे, अच्छे बैठे हुए हैं। ये हमारा उद्देश्य था। और आगे सोच ये है कि बाहर का हो या दमोह का, अगर वो समर्पण रूप से अपन को दमोह किसी की थोड़ी भी सेवा करता है तो अपन को उसका सम्मान और स्वागत बनता है। 50 वर्ष पहले हुआ था, आज ही डॉक्टर चंद्राकर का फोन आया था मेरे पास। डॉक्टर चंद्राकर भी यहाँ थे और हम लोगों का काफ़ी मिलना जुलना होता था डॉक्टर चंद्राकर, डॉक्टर दास। तो आज मैंने उनको बताया कि दास साहब आजकल वो दुर्ग में हैं, छत्तीसगढ़ में, क्या जा रहे हैं हमेशा के लिए यहाँ से। उन्होंने अपनी शुभकामनाएँ भी आपको दी हैं और मैं भी अपनी बहुत बहुत जो आपने सेवाएँ दी हैं
सारा विस्तार से लोगों को पता है। ऐसे बहुत कम लोग, बदले लोग होते हैं, देखने में आते हैं जीवन में। और डॉक्टर संतानी ने सही कहा, उन्होंने सिर्फ सेवा और सेवा आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए, जिसमें कोई डिविडेंड की बात नहीं होती। ऐसे बहुत से प्रोफेशन हैं जो करते हैं सेवा के, और जिसमें डिविडेंड की ना तो उम्मीद करते हैं ना स्वीकार करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हम सब लोग अक्सर आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, आपकी दीर्घायु होने की कामना करते हैं, और जहाँ भी आप जाएं, जिस तरीके से आपने यहाँ पर सेवा की है, मन तो आपको खुशी में लगेगा। आप भाई भी वहाँ कार्यरत हैं, आपको हम सब लोग अपनी ओर से बहुत बहुत आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। यहाँ सभी उपस्थित मित्रों को मैं अपनी ओर से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि दीपावली आपके लिए और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। धन्यवाद। मॉडर्न हब ब्रांडेड हॉजरी शॉप महिला पुरुष एवं बच्चों के लिए, जहां पर आपको मिलेंगे नाइट सूट, लोअर, टी शर्ट, अंडर गारमेंट्स, टॉवल, गाउन, सभी ब्रांड के उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। कैलाश मामले की जानकारी के अनुसार चौराई गुरहा निवासी सीताराम लोधी से वही वन विभाग को लिए जाने के बाद भी कमल मोटर कई घंटों बाद कलर का सामान विभाग का बीच में रखकर ग्रह गांव चौराई जा रहा था। भुवनेश्वर मंदिर के पास सड़क हादसे में पिता सीताराम लोधी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घायल पुत्र राघवेंद्र सिंह लोधी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवाहिरा लाया गया। सभी घायल पुत्र राघवेंद्र लोधी ने बताया कि वह अपने पिता के साथ दमोह से कुछ सामान लेकर घर लौट रहा था, संचालित नौलेश्वर मंदिर के पास बाइक में पीछे से किसी वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। दमोह क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास।